591, 592, 593, 594, पानी वानी पीना है ना। जब लाइन लगी है इतनी लंबी, पहले उसको दर्शन कर दो, हम सब खाना वाना भी खाएंगे। चलो यार बेटा, क्या कर रही हो, जल्दी चलो ना। हमेशा फोन पे लगी रहती हो यार। 15 मिनट से तुम एक मिनट कह रही हो। हम यहाँ दर्शन कर रहे हैं, फोन पे बात करने में लगी हुई है। क्या कोई टेंशन है क्या? कोई प्रॉब्लम है तो बता दे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप एक मैसेज भेज दो। आप जाइए, मैं आती हूँ। हाँ बोलो साक्षी, कहाँ हो तुम? पहुँचे कि नहीं? बस अभी पहुँचा हूँ। अरे क्या हुआ, चक्कर क्या है, अभी तक काम क्यों नहीं हो पा रहा है? देखो तुमसे ज़्यादा टेंशन मुझे, सब ठीक हो जाएगा, सब प्लान के मुताबिक होगा, मुझ पर भरोसा रखो। हाँ हाँ ठीक है, तुम पर भरोसा है, लेकिन ये बताओ कि तुम अभी हो कहाँ? लेकिन छोड़ो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, बाय। खबर पक्की है? एकदम पक्की सर, इंस्पेक्टर शिव के खबरी ने ढेचू को यहीं पर देखा था। निकला था ढेचू मुंबई जाने के लिए और पहुँच गया यहाँ हरिद्वार। सर ढेचू डीसीपी चित्रोले के हाथ की कठपुतली है, जैसे जैसे वो नचाते हैं वैसे वैसे ये नाचता है। ढेचू अब रोता हुआ आएगा हमारे पास, पछताएगा वो। आप कहाँ जा रहे हैं? लाइन से आइए सर। अरे केबल कार में नहीं जाना है। सुपरवाइजर कौन है? सुपरवाइजर साहब उधर है। वो बुलाओ जरा उसे। सर आया। क्या हुआ साहब? हम लोग CID से हैं, आपसे कुछ काम है। इस आदमी को यहाँ पे कहीं आसपास देखा है क्या? ये आदमी साहब अभी तो ये यही था। आपको पूरा यकीन है यही था वो? साहब इसे कौन भूल सकता है, इतना ही सब तो है। तुम लोग ध्यान नहीं रख सकते? मैं तो आगे सारा इंतजाम कर रहा था। तुम मेरे लिफ्ट दे रखी उसको। अरे कोई लिफ्ट मेरे ऊपर देख लिया है, मैं अभी नीचे आकर देखता हूँ। सुना यहाँ ढूंढ जाओ भाई साहब। हुआ क्या? क्या हुआ? अरे भाई साहब हमारी बेटी गुम हो गई है। देखिए हम लोग CID से, हमें बताइए क्या हुआ, हम ढूंढने में मदद करेंगे। मेरी जवान बेटी साक्षी अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गई। गायब हो गई? वो साथ में ही थी आपके? हाँ हाँ, ऊपर मंदिर में तो हमारे साथ ही थी, फिर अचानक पता नहीं कहाँ चली गई। बाहर निकली तो थी, निशान भी लिया था उसने, हम सबको प्रसाद बांट रहे थे, तब तक अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गई। देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, जितनी भीड़ भाड़ है आगे पीछे निकल गई होगी। नहीं हम सारी जगह ढूंढ चुके हैं, मंदिर में ढूंढा, सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिल रही है वो। तो उसे फोन कीजिए ना। अरे फोन तो उठा ही नहीं रही है वो, उनसे तो वो चिपकी रहती थी हमेशा। देखिए आप लोग शांत हो जाइए, आपकी बेटी मिल जाएगी, हम उसे ढूंढ कर लाएंगे। पुलिस साक्षी का नंबर लो और लगातार उसे ट्राई करते रहो, मैं जरा आस पास देखता हूँ। लगता है आज मालिश वाला बुलाना पड़ेगा। बैग उठाया नहीं जा रहा। इतनी भी शॉपिंग नहीं की है मैंने, आधा मार्केट तो खरीद लिया आज, बाकी कल खरीद लेना। से भूल गए होटल का रास्ता? नहीं नहीं मेरे को याद है, जब सुबह जॉगिंग ले जाता हूँ ना यही रास्ता। चलो पक्का? हाँ पक्का। चलो पत्नी का मामला हो तो रास्ते भी याद नहीं रहते। कब से फोन बज रहा है, उठा लो। हाथ में थैली आई, कैसे उठाऊं? मेरा फोन तो नहीं बज रहा है, तो तुम्हारा बज रहा है। मेरा फोन भी नहीं बज रहा है, फिर लड़की कौन है बेचारी? लगता है बेहोश हो गई है। ये तो मर गई है क्या? मैम प्लीज संभालिए अपने आप को। हम तो तेरे लिए यहाँ आशीर्वाद लेने आए थे भगवान से, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मैम हम आपका दुख समझते हैं, पर प्लीज इस वक्त हमारे डॉक्टर सालुंखे को अपना काम करने दीजिए। प्लीज थोड़ा पीछे आ जाइए प्लीज। ये देख रहे विनीत, गर्दन के पीछे गोली का निशान है, बाकी तो इसके शरीर पर कहीं भी कोई हाथापाई का निशान है। मतलब सर इस लड़की को पता ही नहीं चला कि गोली कब चली। और देखो इसके शरीर में राइगर मोर्टिस सेट नहीं हुआ, इसकी आंखें भी गीली हैं और मुझे लगता है कि इसकी मौत ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे पहले हुई होगी जब ये लाश मिली। चंडी देवी के मंदिर में तो हमारे साथ ही थी। साक्षी आप लोगों को बताकर निकली थी वहाँ से? हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। क्या आप लोगों के साथ उनका झगड़ा हुआ था? नहीं सर, हम तो साक्षी के लिए ही आए थे सर। आप लोगों को कुछ अंदाजा है कि वो किससे मिलने आई होगी? किसी से मिलने नहीं आई। पिछले महीने तो उसकी मंगनी हुई थी और अगले महीने शादी थी उसकी, मगर पता नहीं क्यों वो कुछ परेशान सी लग रही। आप लोगों ने पूछा नहीं कि क्यों परेशान? पूछा था मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मोबाइल पे पता नहीं किसी से बात कर रही थी वो। मोबाइल? पंकज उसका फोन देना जरा। एक ही नंबर से 7 बार फोन आया है साक्षी को। क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये नंबर किसका है? ये तो अर्णव का नंबर है। अर्णव? अर्णव कौन? उसी से तो साक्षी की शादी होने वाली थी। उनका परिवार भी तो हमारे साथ हरिद्वार आया हुआ है। वो लोग आप लोगों के साथ नहीं आए चंडी देवी के मंदिर में? नहीं। कल शाम को साक्षी ने अर्णव को मैसेज भेजा था, मिलने के लिए बुलाया था। शाम को? हाँ, कल शाम को आधे घंटे के लिए मार्केट गई तो थी, अर्नव से मिलने गई थी और हमको बताया भी नहीं। हेलो, क्या कभी? ओह नो, क्या हुआ कभी? मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है सर। बदमाशों ने इस जगह को भी नहीं छोड़ा, ऐसी पवित्र जगह पे भी ब्लास्ट कर दिया। वाह सर, ये उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ किया होगा, ऐसे ही तो आके कर नहीं दिया होगा। हाँ, यहाँ लगाना जरा। बस 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 बस, रोको 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 रोको। कहाँ ब्लास्ट हुआ सर? यहीं पास में हुआ सर। मौतें हुई? हाँ सर, 2 लोग मारे गए हैं। और घायल कितने? 14 सर, हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया उनको। ब्लास्ट के बाद बचे हुए सामान में कोई फटा हुआ डिब्बा वगैरह तो नहीं मिला? नहीं सर। कोई ब्रीफकेस, कोई फटा हुआ प्रेशर कुकर? नहीं सर। हटिए जरा, हटिए, हटना जरा प्लीज। 1 मिनट प्लीज, हटिए। या सर चाहिए प्लीज। यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। ये देखो, लगता है सुसाइड बॉम्बर का केस है। सुसाइड बॉम्बर से? आपको ऐसा क्यों लगता है सर? जिस तरीके से इसका यहाँ इस हिस्से के चितड़े चितड़े उड़ गए हैं, लगता है बॉम्ब इसी में था। और तो कुछ मिला भी नहीं है ना सर? खुद तो मरा और को भी मार गया। एक काम करते हैं, आसपास चेक करते हैं, शायद किसी ने ब्लास्ट होते हुए देखा हो। हाँ भाई, ये जो ब्लास्ट हुआ देखा क्या? मैं बच गया साहब, मैं बच गया साहब, मेरे आंखों के सामने ब्लास्ट हुआ है साहब। तुम्हारे सामने ब्लास्ट हुआ? कहाँ खड़े थे तुम? अरे वो जब ब्लास्ट हुआ तो कहाँ खड़े थे तुम? मैं खाना खा के वापस आ रहा था साहब। अचानक से ब्लास्ट हुआ, काला धुआं निकला और एक पत्थर उड़ के मेरे सिर में लगा। साहब मैं बेहोश हो गया, साहब मैं बेहोश हो गया। ब्लास्ट से पहले किसी आदमी को देखा था जिसके हाथ में कोई सूटकेस या कोई बैग हो? क्या ब्लास्ट से पहले या किसी आदमी को घूमते देखा था जिसके हाथ में कोई बैग हो? नहीं ना साहब, कहा ना अचानक से ब्लास्ट हो गया। कान में अभी भी सीटियां बज रही है साहब। अरे ठीक है, अच्छा ठीक है, अभी अपना ध्यान रखना, ठीक है? ओके। सर यार, इस मार्केट में तो बहुत ज्यादा भीड़ है, यहाँ उस बॉम्बर को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये बात तो है। ये फोटोग्राफर। अरे सुनो भाई, जब ये ब्लास्ट हुआ तो तुम यहीं पे थे? जी साहब, मैं वहाँ से इसी इलाके की फोटो खींच रहा था साहब। तब तो ब्लास्ट होते हुए देखा होगा तुमने? जी साहब। तो शायद तुम्हारे कैमरे में उस बॉम्बर की तस्वीर भी हो सकता है। वेरी गुड। एक काम करो, जितनी भी फोटो हैं तुम्हारे इस कैमरे में, सबको प्रिंट करके हमारे पास भेज दो, ठीक है? जी साहब, 1-1.5 घंटे में भिजवा देता हूँ। हाँ सर, सारी फोटो कलेक्ट कर लो जल्दी। ध्यान से देखो, एक एक आदमी को अच्छी तरह से देखो। अर्णव के परिवार वाले यहीं कहीं होंगे। सर जब हम उन्हें ध्यान से देखते हैं तो वो लोग भी बहुत ध्यान से हमें देखते हैं। श्रेया, हम लोग CID वाले हैं, हर एक की आंखों में आंखें डालकर देखना हमारा काम है। सर, अर्णव के पिताजी। आप अर्णव के पिताजी हैं ना? आप CID ऑफिसर? या हम लोग CID से। आप लोगों को कैसे पता चला? समधी जी का फोन आया था, उन्होंने साक्षी के बारे में बताया था। क्या सपने लेकर आए थे और कैसी हकीकत से सामना करना पड़ रहा है। अर्णव को जब पता चलेगा क्या बीतेगी उस बेचारे पर। अर्णव को पता नहीं? अर्णव तुम्हारे साथ नहीं आया? नहीं, वो सुबह सुबह किसी काम से कहीं बाहर चला गया। ये फोटो हमें आपकी समधन जी ने दी है। ये अर्णव और साक्षी है ना? हाँ हाँ हाँ, ये मेरा बेटा अर्णव और साक्षी है। अच्छा, क्या अर्णव अपना मोबाइल फोन लेकर गया? हाँ सर। क्यों? उनका फोन बंद आ रहा है इसलिए। कहीं आप अर्णव पे शक तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, बात वैसे नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब तक ये केस पूरा ना हो जाए, जब तक इस केस की छानबीन पूरी ना हो जाए, आप लोग आसपास ही रहें, ठीक है? जी, थैंक यू। बम जब फटता है तो ये तो मालूम होता है कि बहुत भयानक नुकसान होने वाला है, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि किस बेचारे का हाथ कटेगा, किसका पैर उखड़ जाएगा, किसका धड़ बच जाएगा, किसकी मुड्डी बच जाएगी। अब इसे ही देख लो, इस सुसाइड बॉम्बर के हाथ की घड़ी सही सलामत बच गई। न जाने कौन होगा ये। जो भी होगा, एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा। एक बार इसका DNA निकालेंगे तो किसी न किसी आदमी के साथ उसका DNA मैच तो होगा ही। तब पता चल जाएगा कि ये अनजान बॉम्बर है कौन। तो फिर हम उसके साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं सर, उन्हें भी ढूंढ सकते हैं। हाँ लो बॉस, देख लो ये बॉम्बर कैसा शौक रखता है। एक मिनट, ये घड़ी तो मैंने कहीं देखी सी लगती है, कहीं तो देखा है इस घड़ी को। सर, ये देखिए सर, इससे भी ठीक वैसी घड़ी पहनी हुई है। हाँ, हूबहू इसी घड़ी जैसी। इसीलिए तो मैं कहूँ कि ये घड़ी मैंने कहाँ देखी थी। ये बॉम्बर और अर्नाव दोनों के एक जैसे शौक है। सर अभिजीत सर ने बम ब्लास्ट की जगह के कुछ और फोटोज भिजवाए सर, ये देखिए। ओह नो, क्या हुआ सर? ये देखिए, जिस जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वहां पे ये अर्नाव भी खड़ा है। हाँ, जहाँ पे ब्लास्ट हुआ वहां पे अर्नाव खड़ा था और बॉम्बर के हाथ में बिल्कुल वैसी ही घड़ी जैसी अर्नाव के हाथ में थी। सर, कहीं अर्नाव भी सुसाइड बॉम्बर तो नहीं है? इसी ने ब्लास्ट तो नहीं किया? बस सर ये देखिए, इसे मोटी जैकेट पहन रखी है। ये सुसाइड जैकेट। इस जैकेट में बॉम्ब होगा बॉस, यही बॉम्बर है। इस घड़ी ने सब बता दिया है। सर, साक्षी के कपड़ों में से ये 2 टिकट मिले। माय गॉड, चंडी देवी मंदिर केवल कार, उसकी टिकटें। मगर सर, साक्षी तो अपने पूरे परिवार के साथ वहां पे गई थी और सारे टिकट्स साक्षी के पापा के पास थे। वही तो, फिर ये 2 टिकटें अलग से क्यों खरीदी उसने? इसका मतलब है सर, साक्षी वहां किसी और से मिली थी बिना अपने माँ बाप को बताए। और फिर सर, उसी आदमी के साथ वो नीचे आई। माँ, और वहां पर वो बेचारे माँ बाप उसे ढूंढते रह गए। सर, हो सकता है उसी आदमी ने साक्षी का खून कर दिया। सर, कहीं वो अनजान आदमी अर्नब तो नहीं? वहां से निकला, साक्षी का खून किया और फिर जाके बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। हो सकता है, हो सकता है। चंडी देवी केबल कार के सीसीटीवी फुटेज चेक करना पड़ेगा, पता चल जाएगा साक्षी किसके साथ थी। बोलिए सर, कौन से कैमरे की रिकॉर्डिंग देखनी है? वो नीचे वाला कैमरा जहां पे सब लोग केबल कार से उतरते हैं। ये देखिए सर, 2:30 बजे के आसपास। ये सर, सर ये रही साक्षी। इस आदमी के लंबे बाल। ये तो अर्नब का जीजा है, संदीप। ये संदीप के साथ क्यों चली गई? सर, ये नीचे गंगा किनारे मिला था, तब तो ये कुछ बोला ही नहीं कि ये साक्षी से मिला था। अब बोलेगा ये, जब मैं इसकी गर्दन दबाऊंगा। यही होटल है, चलो मैनेजर से पूछताछ करते हैं। हेलो सर, माफ कीजिएगा, आज एक ही रूम खाली है। अगर आप बुकिंग चाहते हैं आज तो थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, 2 दिन बाद 2 कमरे खाली हो रहे हैं, अगर आप चाहें तो। देखिए, हम लोग यहाँ ठहरने नहीं आए, हम लोग CID से। आपके होटल में संदीप नाम का आदमी ठहरा हुआ है, इसके बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। मिस्टर संदीप, अभी चेक करता हूँ सर। हाँ, अभी चेक करता हूँ। अरे, पन्ने पलटते रहोगे कि कुछ बताओगे भी? अरे सर, मिस्टर संदीप रूम नंबर 203 में ठहरे हैं। क्या बात है, आप संदीप को क्यों ढूंढ रहे हैं? आखिरी बार संदीप को कब देखा था आपने? अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर गए हैं। बाहर चले गए? कुछ मालूम है आपको कहाँ गए? पता नहीं, पर थोड़ी टेंशन में लग रही थी और जाते वक्त किसी से फोन पर बात भी कर रही थी। एक मिनट, जाते वक्त किसी से फोन पर बात कर रहे थे तो फिर तुमने जरूर सुना होगा किसके साथ बात कर रहे थे या फिर क्या बात कर रहे थे। जरा याद करके देखो, शायद किसी का नाम सुना हो आपने जब वो बात कर रहे थे या फिर कोई खास बात। हाँ, वो कह रहे थे कि मैं रास्ते में हूँ, मुझसे बड़े बाजार में मिलना। बड़े बाजार में? अच्छा, वो अपना सामान साथ में ले गए या कमरे में है सामान उनका? सामान तो कमरे में ही है। इस संदीप का कमरा नंबर 203 चेक करते हैं और फिर बड़ा बाजार में से उसे उठाते हैं। ये संदीप ऐसे तो दिखने वाला नहीं है। एक काम करता हूँ, उसे फोन करता हूँ, बातों में उलझा के रखूंगा। तुम आस पास देखते रहना कौन कौन आदमी फोन पे बात कर रहा है। सर हेलो जी, मैं खूबसूरत हॉलिडे कंपनी से बोल रहा हूँ। जी जी, आपके लिए लकी ड्रॉ है, आपको 7 दिन और 5 रातें गोवा में नए रिसोर्ट में फ्री रहने को मिलेगा सर। अरे सर, बीच रिसोर्ट है। अरे हेलो सुनो तो सही। हेलो, सर आसपास तो बहुत सारे लोग फोन पर बात कर रहे हैं। नहीं, जब मैं उससे बात कर रहा था तो उसके पीछे मंदिर की घंटियां बज रही थी। सर हरिद्वार में तो मंदिर ही मंदिर है। हाँ, लेकिन कौन से मंदिर में घंटी बज रही थी? वो रहा, चलो उसका पीछा करते हैं। उस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखता हूँ। सर हाँ बोलो। सर जल्दी से ऊपर आइए। वहीं रुको, मैं आता हूँ। क्या हुआ? सर संदीप का खून हो गया। खून? गला काट दिया है। सर ये अभी अभी तो हमारी नजरों के सामने था। मोबाइल मिला इसका? नहीं सर, मोबाइल गायब है। मोबाइल भी गायब? इसका मतलब खूनी भी हमारे आसपास ही चल रहा था, हमें पता भी नहीं चला और काम कर गया। सर, यहाँ पर सिर्फ एक बैग मिला है जिसमें सिर्फ ये कपड़े हैं और कुछ भी नहीं है। काम की चीज नजर नहीं आ रही। सर पंकज, काम की चीज मिली नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि कमरे में काम की चीज है नहीं। जरा ढूंढो अच्छी तरह से। सर, ब्रीफकेस छुपा के रखा है, खोल के देखो जल्दी। सर, बैंक स्टेटमेंट। सर, कुछ दिनों पहले एक ही रकम कई अकाउंट्स में ट्रांसफर की गई है। सर, कुछ फोटोज भी हैं। हार्डवेयर का बिल। माय गॉड, छोटे कीले, वायर्स, स्प्रिंग और लोहे के टुकड़े, ये सारी चीजें खरीदी गई हैं और ये सारी चीजें घरेलू बॉम्ब बनाने में काम आती हैं। सर, मुझे लगता है ये संदीप गरीब और लाचार लोगों को पैसों का लालच देकर उन्हें गुमराह करता है, सुसाइड बॉम्बर्स बना रहा है उन्हें। तो बॉस, ये नक्शे बॉम्ब बनाने के ही हैं। माय गॉड, इसका मतलब ये संदीप बड़ा खतरनाक आतंकवादी है, हमारे देश का दुश्मन। सर, इसका मतलब बाजार में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें संदीप का हाथ है। सर, हाँ, क्या है देखो। सर, हर की पौड़ी पे निशान लगा हुआ है, कुछ नंबर्स भी हैं, 08061830। सर, समझ में नहीं आ रहा ये कोई कोड है या कोई फोन नंबर। हरी की पौड़ी 08061830 0806। यार सालुंखे, ये तो आज की तारीख है। 1830 का मतलब समय होगा। सर, मतलब आज शाम 6:30 बजे हर की पौड़ी पे कुछ अनहोनी होने वाली है। हाँ अंकिल, हाँ, जरूर ये आतंकवादी या तो हरी की पौड़ी पर मिलने वाले हैं या फिर वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं। जल्दी से जल्दी हमें हरी की पौड़ी पे पहुंचना ही होगा। लेट्स गो। कोई भी हादसा होने से पहले हमें उसे रोकना होगा, किसी भी हाल में। एक काम करो, सब पर नजर रखो और अगर कुछ पता चलता है तो फौरन इन्फॉर्म करना। चलो। हेलो बॉस, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, आप किधर हो? ओके बॉस, ओके, मैं वहीं आके मिलता हूँ आपसे। सर, एक आदमी की बात सुन के उस पर शक हो रहा है। सर, मुझे यहाँ खतरा लग रहा है। ठीक है सर, अभी पहुँचता हूँ। कहाँ थे अभी तक? तो कोई टाइम होता आने का? भागने की कोशिश नहीं करना, हम लोग सीआईडी से हैं। प्रियंका, साक्षी की भाभी। मिनट, गोली नहीं चला, पेट में किसी को लग सकती है। पकड़ो, यहीं पर प्रियंका, अगर मेरा खेल खत्म तो तुम सबका भी खत्म। सबके सब मरोगे मेरे साथ, इसके अंदर बम है। नहीं प्रियंका, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम बैग लेके जा सकती हो। देखो कुछ नहीं होगा, सबके सब मरोगे मेरे साथ। सीधी सादी औरत बॉम्ब ब्लास्ट करवा सकती है, जरा भी शर्म नहीं है। तुम्हारी वजह से न जाने कितने मासूम निर्दोष लोगों की जान चली गई, कितने लोग अपाहिज हो गए। मालूम है क्या कसूर था साक्षी और अनोखा का? उन्हें क्यों मारा तुमने? क्योंकि उन दोनों को अचानक पता चल गया था कि मैंने बॉम्ब ब्लास्ट करवाया। अरे 5 लाख तो तुम्हें मिल ही चुके हैं, कल सुबह 10 लाख तुम्हें बॉम्ब के साथ मिल जाएंगे। पर याद रहे, तुम्हें अपनी कमर पे रखे बॉम्ब का ट्रिगर ठीक से खींचना होगा। अगर बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ तो हम तुम्हें मार डालेंगे, और तुम्हारे परिवार को भी, समझे? वो दोनों जिंदा रहते तो मैं मर जाती, और अर्नव तो हीरो बनने चला था। वो सुसाइड बॉम्बर को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, लेकिन उस सुसाइड बॉम्बर ने ट्रिगर दबा दिया और अर्नव के चीथड़े उड़ गए। क्यों किया तुमने ये सब, हा? जब घर बैठे पैसे मिल रहे हैं तो क्या नुकसान है ये काम करने में, चाहे लोग मरते रहें, हा? वैसे भी तो लोग मरते रहते हैं, चाहे भूख से या एक्सीडेंट से। ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है अभिजीत। इलाज है दया, इलाज है। ऐसे लोगों को सीधा फांसी पे लटका देना चाहिए, ताकि इन लोगों को पता चले कि फांसी पे लटकने के बाद जब गर्दन लंबी होती जाती है, सांस लेने के लिए आदमी तड़पने लगता है, तो वहां पैसे काम नहीं आते। चलो। क्या? माय गॉड। ठीक है, आप वहीं पे रुकिए। क्या हुआ? एक और लाश मिली है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहाँ पे। हेलो एसीपी सर, आधे घंटे पहले एक अनजान आदमी का फोन आया था सर। उसने बोला कि पास में यहाँ एक लाश पड़ी है। किसकी लाश हो सकती है? कौन हो सकता है ये? चलिए जरा पीछे हटिए, चलिए। है कौन ये? सर ये तो वही आदमी है जो डीसीपी चित्रोले के साथ था। क्या ये वही आदमी जो चित्रोले के साथ था? हाँ सर, और इसी आदमी ने ढेंचू पर गोली चलाई थी। माय गॉड, और इसी आदमी ने ढेंचू पर भी गोली चलाई। चित्रोले के साथ जो भी रहेगा उसकी यही हालत होगी। उस आदमी ने कभी किसी का भला किया? ये क्या है? ओह माय गॉड, ये तो ढींचू की घड़ी है। इस पे तो खून लगा हुआ है सर। हाँ पंकज, लगता है चित्रोले का काम खत्म तो बेचारा ढींचू भी खत्म। सर ढींचू की जान को खतरा है। ढींचू की जान को खतरा है श्रेया। ढींचू मिलेगा भी या नहीं, इसी की चिंता है मुझे। चित्रोले का मिलना बहुत जरूरी हो गया है। चित्रोले मिलना ही चाहिए। हाँ काम हो गया, एक गया, 4 बचे हैं। हाँ मसूरी में, उसको अपनी आंखों के सामने से कहीं जाने मत दे। मैं आया, इसका भी टाइम आ गया है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.